रहीम, जैसा कि किड्स प्रोग्राम में मैंने डिफरेंट कलर के स्टाइल आपसे एक साथ शेयर करने का आपसे बोला था, ये हमारा टॉपिक है। और अब मैंने जो पिछली दफ़ा गरारा भी बनाया छोटी बच्ची का, अब ये तकरीबन 1.5 साल की बच्ची है जिसकी मैं ये शलवार बना रही हूँ। नया नया उसने चलना सीखा है और बड़ी अच्छी लग रही थी, तो ये उसकी फ़्राक है, ये उसकी शलवार है। आपने माप किस तरह से लेना है, इसके ये 4 पीसीज हैं, ये देखिए 4 पीसीज हैं इसके। कपड़ा इस तरह से ले ले, छोटे अर्ज का बने क्योंकि ये बच्ची छोटी है। अगर साइज़ हमने बढ़ाते जाना, जिस तरह बच्ची मतलब साइज़ बड़ा होगा, हमने इसी तरह से उसकी पेमाइश लेनी, यहाँ तक कपड़ा आए हमारा, यानी कि अर्ज ज़्यादा हो, बड़ा अर्ज उसी के अकॉर्डिंग हमने करना। 1 साल पर तो ये अर्ज बहुत बेहतर है, जिसकी हमने 4 इंच की, ये उसका माप है, ये देखिए एक छोटा सा उसको उसका माप है, ये देखिए कितना को होगा इसका, हमने 16 या 17 इसकी लेंथ है। 4 इंच हमने इसका बेल्ट का रिमूव कर दिया, 15 ये यहाँ बनता है, आप 4 इंच को, हाँ ए अब 18 बनता है, तो हमने 4 इंच की बेल्ट को साइड पे कर दिया। यहाँ से हमने स्टार्ट करना, जब आपने कपड़ा नीचे बिछाना है, 4 उसके पीसीस टर्न कर लेने हैं। टर्न करने के बाद ये देखिए 4 पीसीस है, इस तरह से आपको बखूबी नज़र आ रहे हैं। और जब आपने टर्न कर लेना है, तो जहाँ से कटिंग नहीं हुई खुला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, यहाँ से आपने 15 पर एक निशान लगा लेना है। 15 याद रखिएगा, 1.5 साल की बच्ची का ये माप है। 15 को आपने यहाँ से पकड़कर सर्कल में आते जाना, घुमाते जाना, ये देखिए ये निशान मैंने लगाया ताकि आपको वाजिया पता चल सके, निशान नज़र आए, यही तो सबसे बेहतर एक बात है। ये आपने सर्कल में लेते आना है, ये देखिए जैसे हम प्रकार से काम करते थे ना, ये एक प्याला अनुमान है, ऐसे गोल सा बनाते। 15 की लंबाई बताने के बाद ये 4 इंच की बेल्ट का यहाँ से गैप देके उसकी जितनी म्यानी है, 9 पे मैंने ये रख ली, देखे 9 इंच अमूमन बच्चे की यहाँ से ना म्यानी होती है, आसन होती है, 9 इंच पे ये 9 इंच मैंने रख दिए। यहाँ से हमने बड़ी बखूबी बड़ी आसानी से इसको देखना ताकि वाजिया से आपको समझ आ सके। 9 पर ये देखिए यहाँ 9 आता है, यहाँ पर हमने सीधा निशान खींच लिया, 3 इंच आपने यहाँ से गैप देना है, 3 इंच का, ये याद रखिएगा। उस प्याले को, उस सर्कल को, उस शेप को हमने अब कैसे डिवाइड करके उसका एक ट्राउज़र, वो एक क्या उसको कहते हैं, चुनट वाली शलवार बना लेनी है। 3 इंच आपने यहाँ से, ये यहाँ से जब हमारी सिलाई लगनी है तो वो हमारी सिलाई यहाँ पर आ जाएगी, रुक जाएगी, और यहाँ से हमने 3 इंच का मार्जिन यहाँ से रख देना। अब हम कटिंग की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए ये हमारी ये शलवार का ये स्टाइल है, ये देखिए ज़रा गौर से आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ से एक सिलाई लग जाएगी और यहाँ राउंड में एक सिलाई लग जाएगी और ये ऊपर बेल्ट है इसकी, ये इस तरह से फोल्डिंग हो जाएगी और ये आपके साथ। अब मैं इसको फाइनल टच दे के आपके साथ पेश करती हूँ। यहाँ से ये देखिए ये आपको प्लेट डाल के मैंने ये दिखा दी है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये जो सर्कल काटा था ऊपर से बेल्ट, और इस तरह से दूसरा भी इस तरह से आ जाएगा।
ज़्यादा सी सिलाई आ जाएगी। स्टॉप। स्टॉप। ये अलहदा, ये अलहदा, इसी तरह से ये इस तरह से ये चीज़ है। देखा मैंने आपको किस तरह से पैमाने से आपको बताया किस तरह के ये शलवार बनानी है। आपने जैसी भी बनानी है बड़ी छोटी पैमाइश कर लीजिएगा, लेकिन तरीका यही है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।